रायबरेली 56% मतदान किया गया, प्रयागराज 50.89%, सुल्तानपुर 54.88%, अमेठी 52.77%, गोंडा 54.31%, बहराइच 55%, श्रावस्ती 57.23%, बाराबंकी 54.47%, प्रतापगढ़ 50.25%, कौशाम्बी 57.01%, चित्रकूट 59.64%, रायबरेली 56.06%, मतदान 5 बजे तक किया गया है। कौशाम्बी 57.01%, अयोध्या 58.01% मतदान किया गया है। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं मतदान हुआ है तो 60 के अंदर ही हुआ है। सभी जगह से आंकड़े सामने आ चुके हैं, प्रयागराज, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अयोध्या, 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हो रहा है। गोंडा में 54.31% मतदान हुआ है, बहराइच में 55%, श्रावस्ती से भी सामने आ चुके हैं आंकड़े, प्रतापगढ़ 50.25%, कौशाम्बी 57.01% मतदान हुआ है, श्रावस्ती 57.23, बाराबंकी 54.74, चित्रकूट 59.64%, सबसे ज्यादा चित्रकूट में मतदान किया गया है, अयोध्या 58.01%, कौशाम्बी 57.01%, प्रतापगढ़ 50.25% मतदान किया गया, गोंडा 54.31%, बाराबंकी 54.74% मतदान किया गया है। 5 बजे तक के मतदान के आंकड़े आपको बता रहे हैं, सबसे ज्यादा चित्रकूट में मतदान किया गया है, 59.64% मतदान सबसे ज्यादा, बहराइच में सबसे कम मतदान हुआ है 55%, उससे भी कम गोंडा में 54.31%, प्रयागराज में 50.89%, प्रतापगढ़ में 50.25%, तो 60 के ऊपर नहीं जा पाए हैं कहीं पे भी आंकड़े। चित्रकूट में 60 के करीब आंकड़े पहुंचे हैं, 60% के करीब पहुंचे हैं आंकड़े, लेकिन अगर देखा जाए तो 60% वोटिंग नहीं हो पाई है कहीं। 5 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं, कोडा 54.31% मतदान हुआ 5 बजे तक, बहराइच 55% मतदान 5 बजे तक, श्रावस्ती, अमेठी 52.77%, प्रतापगढ़ 50.25%, कौशाम्बी 57.01%, रायबरेली 56.06%, सभी जगह के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 693 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, तो सभी जगह के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 5वें चरण का मतदान भी संपन्न हुआ, कई बड़े चेहरे थे जिनकी साख दांव पर थी। अगर बात करी जाए, सपा से गौरव रावत थे जैतपुर सीट से, नागेश्वर प्रताप सिंह रामपुर खास से भाजपा प्रत्याशी रहे, बड़े चेहरों की बात कर रहे हैं, आराधना मिश्रा मोना रामपुर खास से कांग्रेस प्रत्याशी रही, राजेंद्र मौर्य प्रतापगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी रहे, कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ से सपा गठबंधन प्रत्याशी रही, वेद प्रकाश गुप्ता अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी रहे। तो ये बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर रहे, तेज नारायण पांडे अयोध्या से सपा प्रत्याशी, नंदगोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी, सभी ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी साख दांव पर रही। रविशंद शुक्ला इलाहाबाद दक्षिण से, सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी उम्मीदवार इलाहाबाद पश्चिम से, ऋचा सिंह इलाहाबाद पश्चिम से सपा प्रत्याशी, सिंधुजा मिश्रा कुंडा से बीजेपी प्रत्याशी, रघुराज प्रताप सिंह कुंडा से प्रत्याशी, प्रतीक भूषण सिंह गोंडा से बीजेपी प्रत्याशी, सूरज सिंह गोंडा से सपा प्रत्याशी, रमापति शास्त्री मनकापुर से बीजेपी प्रत्याशी, रमेश चंद्र गौतम मनकापुर से सपा प्रत्याशी, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर से बीजेपी प्रत्याशी, अनिल प्रधान पटेल चित्रकूट सदर से सपा प्रत्याशी, मोती सिंह पट्टी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी, राम सिंह पटेल पट्टी से सपा प्रत्याशी। कुल 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हो रहा है, 692 उम्मीदवार आज मैदान में हैं। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो बीजेपी को 53 सीटें मिली थी, सपा को 5, बीएसपी के खाते में एक भी नहीं गई थी। 5वें चरण में कांग्रेस को 1 और अदर को 2 सीटें मिली थी, तो 2017 के ये नतीजे रहे थे, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास गई थी। बीएसपी कहीं गायब रही थी, लेकिन जिस तरह से इस बार बीजेपी
के सामने सपा काटे की टक्कर दे रही थी, वही कांग्रेस और बीएसपी भी कहीं गायब नहीं है। इस बार दोनों ही टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े चेहरे उतारे गए हैं और आज जो मतदान हुआ है काफी दिलचस्प रहा। हालांकि पिछले चुनाव में जो चौथे चरण का मतदान था उसमें सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही थी कि जो मतदान की पर्ची थी उसमें से मतदाताओं के नाम गायब थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। ईवीएम खराब होने की खबरें भी बहुत कम आई। तो आज चुनाव संपन्न हो चुका है और अब हम अपने संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके जिले में कितनी वोटिंग हुई, कितना कैसा प्रदर्शन देखने को मिला है मतदाताओं का। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र तिवारी अमेठी से जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आज पांचवें चरण का मतदान रहा, अमेठी में मतदान किया गया, कौन कौन से मुद्दों को लेकर जनता ने आज मतदान किया है वीरेंद्र? जी, मैं आपको बता दूं कि पांचवें चरण का आज मतदान जो है वो संपन्न हो गया है और वहीं कहीं 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 देखा गया है कि बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी में झड़प देखने को मिली है। और आपको बता दें कि कुल टोटल जो अमेठी में अगर बात की जाए तो कुल टोटल मतदान जो है वो 52.77% हुआ है। तो वहीं अगर देखा जाए तो जो विकास के मुद्दे रहे या और अन्य मुद्दे रहे वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जाहिर है कि इस बार भाजपा को काफी सामना करना। जी, जिस तरह से आपने बात करी है मतदाताओं से, तो मतदाताओं का क्या कहना है, मतदाताओं ने किन मुद्दों को देखते हुए अपने मत का प्रयोग किया है? और आज जिस तरह से सुबह सुबह लोगों की भीड़ मतदान केंद्र पर देखने को मिली, समय के साथ कुछ कम भी होती गई, इसके पीछे की वजह क्या रही? इसके वजह की वजह यही रही कि 5 साल चाहे वो क्षेत्र के विधायक हो या मंत्री हो, 5 साल जीतने के बाद वो क्षेत्र में नहीं आते हैं और कहीं ना कहीं यही भारी आक्रोश रहा जनता के बीच में कि उनके जो वादे हैं लुभावने वादे तो करके चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लुभावने वादे केवल मंच से दिए जाते हैं और ग्राउंड स्तर पे नहीं दिखाई देता है। जी, जिस तरह से पिछली बार का चुनाव हुआ, जो प्रत्याशी जीत के आए सभी विधानसभाओं में, तो उनके द्वारा कैसा प्रदर्शन, कैसा काम देखने को मिला, जनता का क्या कहना है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें जो जीत के प्रत्याशी, चाहे हमारे यहाँ विधानसभा 184 के विधायक सुरेश पासी हो, तो कहीं ना कहीं इस बार अमेठी के अंदर भाजपा को काफी विरोध का सामना देखना पड़ा। और वही विरोध का सामना इसलिए देखना पड़ा क्योंकि जो यहाँ की जनता है, जो किसान है, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे थे। जी, अगर बात करी जाए पार्टियों की, तो कौन कौन से प्रत्याशी आमने सामने टक्कर देते हुए नजर आए हर एक विधानसभा में? जी, आपको बता दें कि विधानसभा 184 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा की टक्कर सामने दिखाई दे रही थी। वहीं अगर तिलोई विधानसभा की बात की जाए 178 की, तो वहां पे भाजपा और सपा देखी जा रही थी। तो तमाम तरह की जो सीटें हैं वो हर जगह कहीं से भाजपा और सपा करके सब देखी जा रही थी। जी, विकास के मुद्दे कितने महत्व रख रहे हैं इस बार के चुनाव में? विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं इस बार अमेठी की जनता समझ चुकी है कि लुभावने वादे तो करके हर कि विकास हो सके और उनको एक राहत मिल सके। जैसे अभी हाल में ही एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, आपको बता सके कि रोड नहीं तो वोट नहीं, कहीं 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 ना कहीं अमेठी की जनता हर एक गांव में बोर्ड लगाया गया था कि वोट का बहिष्कार करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इस बार थोड़ा सा उप जिलाधिकारी हो या स्थानीय पुलिस हो या विधायक हो, उनका ग्रामीणों का कहना यही है कि 5 साल जीतने के बाद कोई ना दुख में आता है ना सुख में आता है और ना ही जो रोड है उनके हालात को सुधारने के लिए चाहे वो मुद्दा हो, तो कहीं ना कहीं विधायक या मंत्री बनने के बाद वो जनता के बीच में तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। जी, अगर बात करी जाए मतदान के दौरान जनता को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ईवीएम खराब होने की तस्वीरें कहां-कहां से सामने आई, कितनी देर के लिए मतदान बाधित रहा?
जी मैं आपको बता दूं कि अगर मतदान बाधित होने की बात करें तो विधानसभा 184 में एक बूथ पड़ता है बूबूपुर, तो वहां पे भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो आपस में भिड़ गए और काफी लाठी डंडे चले और काफी जब वहां पे पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो वहां से 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया और उनको स्थानीय थाना में लेके आई गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अमेठी से संवाददाता वीरेन तिवारी जुड़े थे। हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि कुछ जगह पे मतदान बाधित रहा, कुछ मतदान केंद्र पर दो पक्ष आमने सामने भिड़ गए जिसके बाद वहां पे मतदान प्रभावित रहा। हालांकि जो लोग थे जिनकी वजह से मतदान प्रभावित हुआ है उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो वहीं मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें भी सामने आई जहां पे लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, क्योंकि मतदान बहिष्कार की वजह ये थी कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उनके द्वारा मतदान की अपील की गई पिछली बार, जब जनता ने उन पर भरोसा करके उन्हें जिताया तो वो 5 साल के लिए गायब हो गए, ना कोई विकास कार्य किया गया, ना ही जनता की सुध ली गई, तो इसी का आक्रोश कहीं ना कहीं देखने को मिला। चित्रकूट, रायबरेली, सभी के मतदान के आंकड़े सामने आ चुके। प्रयागराज में 50.89% मतदान हुआ है 5 बजे तक। गोंडा में 54.31% मतदान हुआ। बहराइच में 55% मतदान हुआ। श्रावस्ती 57.23% मतदान हुआ। प्रयागराज 50.89% मतदान हुआ। सुल्तानपुर में 54.88% मतदान हुआ है संपन्न 5 बजे तक। गोंडा 54.31%, बहराइच 55, श्रावस्ती 57.23% मतदान 5 बजे तक संपन्न। प्रतापगढ़ 50.25% मतदान संपन्न। कौशाम्बी 57.01%। बाराबंकी 54.74%। चित्रकूट 59.64%। रायबरेली 56.06% मतदान हुआ है। अयोध्या में 58.01% मतदान संपन्न हुआ है। और हमारे साथ इसी खबर में संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं अयोध्या से। क्या कुछ देखने को मिला आज, मतदाता कितने जागरूक नजर आए राघवेंद्र अयोध्या में? हेलो मतदान अयोध्या में संपन्न हुआ है 5 बजे तक। समय सीमा पूरी हो चुकी है, मतदान पूरे हो चुके हैं और अब 10 तारीख को परिणाम सामने आएगा कि जनता ने किसकी किस्मत का फैसला किया है, किसे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनना चाहती है जनता। अगर बात करी जाए महिला वोट महिला प्रत्याशियों की, तो आज जो 5वें चरण का चुनाव रहा है उसमें महिला प्रत्याशियों की एक बड़ी संख्या रही है। हमारे साथ राघवेंद्र जुड़ चुके हैं अयोध्या से। राघवेंद्र, आज 5वें चरण के चुनाव में सबसे अहम हॉट सीट माने जाने वाली अयोध्या शामिल रही है, मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिला? और पूरे दिन बूथों को निगरानी बरती गई है प्रशासन के द्वारा और बूथ से भीड़ भी काफी हद तक रही। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो 57% के रुदौली विधानसभा में और मिल्कीपुर में 56.12% है। और बीकापुर की अगर बात करेंगे तो 58% मतदान हुआ है
और 54.50% जो है अयोध्या में हुआ है और गोसाईगंज में 58.47% हुआ है। अगर कुल मिलाकर के अयोध्या जिले की बात की जाए वोटिंग परसेंटेज को लेकर के तो लगभग 58% के लगभग मतदान हुआ है। राघवेंद्र, जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज मतदान किया? आपने जनता के बात करी है, उनके बीच गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करी, तो जनता किन मुद्दों को लेकर आज मतदान करती नजर आई? देखिए शिखा, अगर बात की जाए अयोध्या में जनता की, तो जनता जो है वो विकास कार्यों को लेकर के मतदान की है, वही शिक्षा को लेकर के मतदान की है और महंगाई को लेकर के मतदान की है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कुछ मतदाता ऐसे भी रहे हैं कि जो यहाँ पे जी राघवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जिस तरह से आज मतदान हुआ, कई जगह से ईवीएम खराब होने की, वोट बहिष्कार की खबरें भी सामने आई है, तो क्या अयोध्या में भी ऐसा कुछ देखने को मिला? क्या कहीं पे ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान बाधित भी रहा? बिल्कुल, अगर बात की जाएगी ईवीएम खराब होने की, तो हाँ कुछ छुटमुट जगह पे ईवीएम खराब होने की बात आई है, उसके बाद वो जल्दी ही उसको सुलझा लिया गया है। और उसके बाद आप अगर बात की जाए तो ये पूरा जो है मामला, कुछ जगह छुटपुट घटनाएं भी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पे पहुंच गया है, वहां पे उसका निस्तारण करवाया है। और अधिकतर बात की जाए तो सपा और भाजपा के एक दो जगह समर्थकों के बीच में बूथ के ऊपर जो है बातचीत बाताकानी हुई है, वहां पुलिस प्रशासन पहुंची है, उसका निस्तारण कराया है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता राघवेंद्र जुड़े हुए थे, जहां 58.01% मतदान हुआ है। और अगर बात करी जाए ईवीएम खराब होने की, तो कहीं कहीं पे छुटपुट खबरें ऐसी सामने आई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईवीएम खराब होने की जहां से भी खबरें आई, तो उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर लिया गया और ज्यादा देर के लिए मतदान बाधित तो नहीं रहा है। विकास के मुद्दों को देखते हुए जनता ने इस बार मतदान किया है। इस बार के अगर मुद्दों की बात करी जाए तो आवारा पशुओं का मुद्दा सबसे ज्यादा देखने को मिला है। पांचवें चरण के मतदान के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसान और लोग परेशान रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आवारा पशुओं से रहे। कानून व्यवस्था की बात करी जाए तो कानून व्यवस्था भी एक अहम मुद्दा है। महिला सुरक्षा, मुफ्त राशन, अयोध्या में राम मंदिर, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि इस बार के चुनाव में काफ़ी अहम रही है, मुद्दा रहा है। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मत का प्रयोग किया, मत के महत्व को समझा। लोग लाइन में लगे नजर आए मतदान करते हुए। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद देखने को मिली। और पिछले बार के चुनाव में जिस तरह से कुछ लापरवाहियां देखने को मिली थी, कई ऐसी खबरें सामने आ रही थी जहाँ पे मतदान केंद्रों पर मोबाइल मिले थे, इस बार पिछली बार के मुकाबले ये मामले कम सामने आए। हालांकि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मामले सामने आए हैं, मोबाइल लेकर जाने के, वीडियो वायरल की ऐसी खबरें भी सामने आई हैं, ईवीएम खराब होने की भी खबर सामने आई है। लोगों ने कहीं कहीं पे मतदान का बहिष्कार भी किया, तो ये तमाम चीजें देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर चुनाव है तो उसमें इस तरह की खबरें सामने आएंगी। कितनी कोशिश कर ली जाए, कितना ही रोकथाम की कोशिश कर ली जाए, वो चाहे सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश कर ली जाए, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये खबरें सामने आएंगी ही। कई बड़े चेहरे रहे जिनकी साख दांव पर रही। 21 जिलों की 61 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो गया है। और अगर बात करी जाए जाति के आधार पर, जितने भी आज वोटर्स रहे, अगर उनके समीकरण देखे जाए और बात करी जाए, तो जो छोटे दलों के साथ भाजपा और सपा ने गठबंधन किया, उसका भी सीधा असर देखने को मिलेगा आने वाले चुनावों में भी और आज के चुनावों में भी। वोट अगर जातिगत वोटरों की बात करी जाए तो इसमें हिंदू वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं और पिछड़ी जाति के वोटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स भी बहुत ज़्यादा है। और इस बार महिला प्रत्याशियों को भी उतारा गया है, और महिला
प्रत्याशियों की संख्या की बात करी जाए तो महिलाओं का मुद्दा इस बार चुनाव में काफी उठा है, वो चाहे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में उठाया, कांग्रेस ने नारा दिया मैं लड़की उलट सकती हूँ, तो महिलाओं को जिस तरह से साथ लिया और लेके चली है बीजेपी, जिस तरह से महिलाओं की बात करती है और आरक्षण की बात भी जिस तरह से चुनाव के बीच उठी, कांग्रेस ने कहा था कि हम महिलाओं को आरक्षण भी देंगे, और इस बार के चुनाव में अगर देखा जाए तो महिलाओं का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है प्रत्याशी के तौर पे भी, और जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया, और बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव, कांग्रेस और सपा की तरफ से डिंपल यादव दोनों ही प्रचार के लिए भी उतरी, जया बच्चन भी उतरी हैं, तो जिस तरह से अब प्रचार में भी महिलाओं का कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा है तो उससे भी कहा जा सकता है कि काफ़ी असर डाल रहा है ये चुनाव। हालांकि जैसे जैसे ये अंतिम पड़ाव में पहुंच रहा है वैसे वैसे दिलचस्प होता जा रहा है, कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि जो दल है उनकी कहीं पर ताकत कम हो रही हो, जैसे जैसे अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है चुनाव वैसे वैसे पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं सभी दिग्गज। लेकिन अगर बात करी जाए जनता की तो जनता को डीएम द्वारा भी समझाया गया और जागरूक किया गया, साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा भी लगातार जनसभाएं करके समझाया गया और अपील की गई वोट की, मतदान करने की, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, कई बड़े नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सभी जनता से बार बार अपील करते हुए नजर आए कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, मतदान जरूर करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मतदाताओं में जो रोष रहा शायद उस वजह से, लेकिन मतदान कहीं ना कहीं कम हुआ है। लोगों को जागरूक करने के बाद भी, लोगों के जागरूक होने के बाद भी कई ऐसे मतदाता रहे जिन्होंने कम मतदान किया और आंकड़े ये बता रहे हैं। और अब हमारे साथ बहराई से संवाददाता उदय शंकर जुड़ चुके हैं। उदय, जिस तरह से आज मतदान हुआ है लोगों की भीड़ देखने को मिली लेकिन कई शिकायतें भी रही हैं, शिकायतों के बारे में जानना चाहेंगे कि बहराई से कौन कौन सी शिकायतें सामने आई, ईवीएम खराब होने की क्या कोई खबर सामने आई है या फिर वोट बहिष्कार की। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर नानपाना में जो है एक ईवीएम खराब होने की शिकायत आई थी जो लगभग 11 बजे से और 12 बजे के बीच तक वो खराब रही। उसके बाद जो है वो मशीन जो है सही की गई, जिसके बाद 1 घंटे बाद जो है मतदाता अपना मतदान जो है वो दे सके। जी, क्या वोट बहिष्कार की कोई ऐसी खबर, क्योंकि हर जगह ऐसी खबरें पहले भी देखने को मिली थी, जब वो चुनावी प्रचार चल रहा था तब भी कहा जा रहा था कि रोड नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं, और चुनाव के दिन भी ऐसी खबरें सामने आ रही है लगातार, बहराइच से कोई ऐसी खबर। आपको बताना चाहेंगे कि बहराइच से जो है बहिष्कार की तो अभी तक कोई खबर नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर जरूर ये रहा है कि इस बार जो है वो परसेंटेज जो है वो काफी गिर गया है। यहाँ 5 बजे जो प्रतिशत जो है दर्ज किया गया वो लगभग 55% ही रहा, जो कि जो है पिछली बार की अपेक्षा इस बार कम दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ के मतदाता जो है वो काफी जो है दुष्ट आ रहे हैं, और इस बार जो है वो कई ऐसे मतदाता रहे जो घर से निकलकर यहाँ मतदान स्थल तक नहीं पहुंच सके। जी, तो ये जो मतदान के आंकड़े कम हुए हैं, क्या सुविधाएं कम रही थी या फिर वोटिंग की पर्चियों में नाम नहीं आया मतदाताओं का, या जागरूकता की कमी थी, क्या वजह रही जो इस बार परसेंटेज कम रही, या प्रत्याशियों से गुस्सा था जिस वजह से वोट देने ही नहीं निकले मतदाता। आपको बता दें कि यहाँ पर कई ऐसे नौजवान, कई ऐसे जो है बुजुर्ग लोग थे जिसका इस बार जो है नाम ही नहीं था, उनका जो है नाम काट दिया गया जिससे वो काफी दुष्ट नजर आए। और आपको बता दें कि इस बार जो है वो काफी जो है किसान भी दुष्ट रहे, काफी इस बार जो है कुछ लोग प्रत्याशियों से खफा रहे, इस वजह से इस बार परसेंटेज जो है काफी उसमें गिरावट दर्ज की गई। और कौन कौन सी असुविधा का सामना करना पड़ा मतदाताओं को मतदान केंद्र पे, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए या फिर कोविड नियमों के पालन कराने की बात करी जाए तो कैसा रहा इंतजाम। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने कोविड पालन के लिए काफी सख्त निर्देश दे रखे थे, सभी के जो है यहाँ टेम्परेचर नापने वाली मशीन, सैनिटाइजर और मास्क वगैरह जो है वो वितरित किए जा रहे थे। जिनके पास जो है मास्क नहीं था उन मतदाताओं को मास्क दिया जा रहा था, प्रॉपर एक व्यवस्था में जो है सबकी लाइन लगाई गई थी, असुविधा जो है किसी को नहीं हुई। और यहाँ के जो है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वो लगातार जो है लाइन पर रहे, राउंड अप रहे, वो सभी का हालचाल लेते रहे, जितनी भी पोलिंग बूथ यहाँ पे बने हुए थे वो सभी जगह पहुंचकर वहाँ का हालचाल बराबर लेते रहे।
यानी शांति व्यवस्था के साथ आज का मतदान संपन्न हुआ है बहराइच में, और अगर बात करी जाए इंतजाम की वृद्धों के लिए और विकलांगों के लिए, तो वो क्या सा देखने को मिला? आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर विकलांगों के लिए जो सुविधाएं दी गई थी, तो उनको जो है यहाँ सबसे पहले जो है वो तो दिलवाया जा रहा था, उनको कोई भी किसी भी तरह की लाइन लगाने की जरूरत नहीं थी, उनको सबसे पहले तुरंत जो है अपना मतदान करने का अधिकार दिया गया था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ बहराइच से संवाददाता जुड़े थे उदय शंकर। तो मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुके हैं, 5 बजे तक के 53.93% कुल मतदान हुआ है पांचवें चरण का। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कम है मतदान, क्योंकि जिस तरह से जागरूक करा जा रहा था जनता को, अगर बात करी जाए सबसे ज्यादा मतदान तो वो चित्रकूट में हुआ है 59.64%। पूरे दिन अगर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है तो वो चित्रकूट में देखा गया है। तो 5 बजे तक के मतदान सामने आ चुका है आंकड़ा, और अगर बात करी जाए इस बार के मतदान की तो कम असुविधा का सामना करना पड़ा। ईवीएम मशीन के खराब होने की भी जो खबरें थी वो कम आई हैं, लापरवाही की खबरें भी कम आई हैं। तो देखा जा रहा है कि इंतजाम समय के साथ साथ बेहतर होता जा रहा है, अपनी गलतियों को सुधारते हुए कहीं ना कहीं नजर आया चुनाव आयोग। और अभी भी 2 चरणों के मतदान बाकी हैं, और इन 2 चरणों में देखना होगा कि कितनी सुविधा दे पाते हैं वो मतदाताओं को। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।